KMEJP ट्रैकिंग सिस्टम में आपका स्वागत है। इसकी वेबसाइट में जाने के लिए आपको इंटरनेट ब्राउजर में http://www.kviconline.gov.in/PMEJP टाइप करना है। इसकी शुरुआत करने के लिए आपको PMEJP ऑनलाइन एप्लीकेशन का वीडियो दिखाएंगे कि एप्लीकेशन कैसे भरना है। इस कार्य प्रणाली के चार प्रकार हैं: ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना, एप्लीकेशन डेटा सेव करना, अपेक्षित कागजात अपलोड करना और फिर फाइनल सबमिशन करना। इसकी कुछ आवश्यक जानकारी इस प्रकार है। जो मोबाइल क्रमांक आप एप्लीकेशन में सेव करेंगे उसे रजिस्टर्ड मोबाइल में आपको यूजर नाम और पासवर्ड भेजा जाएगा। फाइनल सबमिशन आते ही आपके द्वारा रजिस्टर किया हुआ ईमेल आईडी में आपका सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेंट आईडी भेज दिया जाएगा। जैसे ही आप फाइनल सबमिशन करते हैं उसके तुरंत बाद आप प्रिंट ले सकते हैं। मूल रूप से PMEJP ई ट्रैकिंग सिस्टम दो प्रकार की हैं: PMEJP ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंडिविजुअल, PMEJP ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नॉन इंडिविजुअल। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG ट्रस्ट, पंजीकृत संस्था, सहकारी समिति, फॉर्म अंडर कंपनीज एक्ट। आधार कार्ड क्रमांक में 12 अंकों का आधार क्रमांक आवेदक को टाइप करना है। आपके 12 क्रमांक आधार नंबर यहां पर टाइप करें। अब नेम ऑफ द एप्लीकेशन में आवेदक का नाम कृपया ड्रॉप डाउन लिस्ट में से श्री श्रीमती कुमारी चुनिए। कृपया आधार कार्ड में जो नाम है उसी प्रकार का नाम आप टाइप करें। कृपया UIDAI में क्लिक कर अपना आधार क्रमांक और नाम KVIC KVIB DIC। अगर यूनिट लोकेशन अर्बन है तो DIC सिलेक्ट कीजिए। अगर यूनिट लोकेशन ग्रामीण है तो KVIC KVIB और DIC टाइप करें। कृपया ड्रॉपडाउन लिस्ट से राज्य सिलेक्ट कीजिए, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, असम, बिहार, गोवा इत्यादि। जेंडर में आपको ड्रॉपडाउन लिस्ट में से आपको अपना लिंग चुनना है, जैसे कि महिला, पुरुष। स्पेशल कैटेगरी में भी आपको दिए गए लिस्ट में से कैटेगरी सिलेक्ट करना है। जिसमें आपको राज्य, जिला, पिन कोड की जानकारी देनी है। कृपया परस्पर नंबर की भी जानकारी दें। भविष्य में अपडेट देने के लिए ईमेल आईडी भी दें। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है तो अपना पैन कार्ड क्रमांक टाइप करें, यह अनिवार्य है। यूनिट लोकेशन के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट से ग्रामीण या शहरी सिलेक्ट करें। प्रपोज्ड यूनिट एड्रेस, अगर आपका यूनिट एड्रेस और प्रपोज्ड यूनिट एड्रेस वही है तो कृपया एड्रेस कॉपी कर लें, फिर एडिट करें।
कृपया एक्टिविटी सिलेक्ट करें। आप किस एक्टिविटी के लिए आवेदन कर रहे हैं कृपया उस ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करें। आप एक्टिविटी का नाम टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं। सिस्टम अपने आप एरिया सर्च कर एक्टिविटी का नाम बता देगा। उत्पाद वर्णन का संक्षिप्त में विवरण दें। यदि आपने ईडीपी ट्रेनिंग ली है तो यस सिलेक्ट करें और उस टाइप कर देगा। अब आपको बैंक डिटेल देनी है।